बता देता हूँ। देखो यार, हमारा कोर्स ना कुछ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये मेरा क्विक ओवरव्यू है, मैं इस पर टाइम ज्यादा नहीं करूंगा, मैं सीधे टॉपिक पे जाऊंगा। अच्छा भाई, हमारा कोर्स कुछ 3 हिस्सों में बटा हुआ है सर। पहला हिस्सा ये है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब तुम लोग कहते हो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो क्या दिमाग में आता है? पूरे फाइनेंशियल्स? अबे हाँ या नहीं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में आता है कि भाई फाइनेंशियल्स। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास बैलेंस शीट आती है, आपके पास नोट्स नहीं, अभी होशियारी नहीं करो ना, मैं बोल रहा हूँ, आपके पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल, सही है जी। इसके बाद आप बनाते हैं कैश फ्लोस। देखो यार, मैं तुम्हें बता दूं, 7 ईयर्स से FAR2 से एसोसिएटेड हूँ, जब से मैं टीचिंग करियर में आया हूँ, हर एक सवाल मेरा अपना बनाया हुआ है और मुझे पता है कि इसके कौन कौन से एरिया से चीजें मिलके आती हैं। तो सुकून से जिस तरीके से मैं लेके चलू ना, वैसे चलना है तुम लोगों ने। तुम इवन मेरी डायरेक्शन पे चलो, तुम जाके मतलब फेसबुक पे भी देखो, बच्चों ने यही कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है। देखो यार, अपनी होशियारी करोगे, अपना दिमाग चलाओगे ना, अटक जाओगे इस पेपर में। FAR2 है, CA फाइनल में जाने से पहले आखिरी अकाउंटिंग का पेपर है, तो मैं जिस तरह कह के चलूंगा वैसे चलना। इसको बताने से पहले एक और बात बता दूं, एक तुम लोगों का मसला हल कर दिया बुक का, क्वेश्चंस भी हैं, कॉन्सेप्ट मेकर्स हैं, कॉन्सेप्ट टेस्टर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, क्विज के लिए तुम्हें मेरे पीछे नहीं भागना। उसी बुक के अंदर मैंने एक अच्छा काम ये किया है कि मैंने बार कोड डाल दिए हैं, यानी मेरी पहली क्लास खत्म होगी। अभी तो खैर मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा पहले चैप्टर का, उसके बाद से आपको फिर बुक लेनी है। उसके अंदर आप खाली बारकोड को जाके स्कैन करें, उस पर लिखा हुआ है कि आफ्टर लेक्चर 1, आफ्टर लेक्चर 2, आफ्टर लेक्चर 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक पहले ही IFRS 9 का जो मेरा टॉपिक है उसके ही कोई 20 क्विज हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता रहूंगा, अल्लाह की कसम, वैसे वैसे सारे क्विज भी होते रहेंगे, सेल्फ असेसमेंट भी होगी। पर खुदा के वास्ते जिस जुनून के साथ आते हो ना, आखिर तक वही जुनून रखना, ये नहीं करना इसमें। देखो ये पेपर ना बड़ा दुख देके जाएगा तुम्हें, ये ऑडिट मुझे पता है, मैंने इसकी रग रग से वाकिफ हूँ, फर्म में एसोसिएटेड हूँ, मुझे पता है क्या नई चीजें पूछी जाती हैं और वो पूछ सकता है, तो इसमें सारी चीजें मिलके आएंगी। तो मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, उसमें एक चीज ऐसी नहीं लगेगी जानी कि तुम भूल रहे हो, हर चीज कैरी फॉरवर्ड होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और बुक भी उसी नेचर की, उसी तरीके से डिजाइन की हुई है, तुम्हें सिर्फ करना क्या है यार, क्लासेस लो तमीज से, सही है जी। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि तुम घर बैठ के लेट के क्लासेस लो, मैं अल्लाह की कसम इस चीज में बिलीव नहीं करता, क्योंकि बाखुदा मसला क्या होता है, तुम में से शायद कोई पहचान पाए या नहीं पाए, असेसमेंट की हो तुमने या नहीं की हो, मसला क्या होता है, तुम पेपर में टाइम मैनेजमेंट का, तुम क्लास में होते हो ना, टीचर का एक डंडा होता है, या जल्दी कर भाई 15 मिनट में क्लास मतलब खत्म करो ये टॉपिक, फिर आगे चलेंगे, एक प्रेशर होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है। अब मैं देखता हूँ बच्चों को ऐसे ही लाइब्रेरी में चक्कर लगाता हूँ, यार ये सवाल करें आज, अबे तू उसके लिए क्यों वेट कर रहा है भाई, ऐसे इतने बच्चों को जानता हूं मैं, मतलब मैसेज करते हैं यार तू आ जाएगा। अच्छा, कुछ बहनें भी हैं हमारी, बोलती है सर वो मेरी दोस्त नहीं आई ना, इसलिए मैंने वो सवाल भी नहीं किया। अबे भाई तू उस पे क्यों डिपेंडेंट है यार, खुदा के लिए तुम अपने लिए खुद जिम्मेदार हो, और तुझे तो हंस रहे ना, ये लोग ये सब इस चीज से गुजर चुके हैं तभी हंस रहे हैं, ये मुझे पता है। यार देखो, मैं वो चीजें एड्रेस कर रहा हूँ जो तुम लोगों के मसले हैं, पर अल्लाह की कसम ये पेपर पास करवा दूंगा, पर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे चलना। मैं ये अकाउंटिंग FAR2 में अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, FAR1 कचरा है इसके सामने, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो तुम FAR2 देखोगे। इसमें तुम्हें ये पता लगेगा, FAR2 के अंदर के मार्केट में शेयर की परचेज सेल कैसे होती है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, अगर मैं मल्टीपल कंपनीज का मालिक हूं तो उसकी कंसोलिडेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। एक आपने टैक्स का पेपर दिया होगा, अकाउंटिंग अलग है, टैक्सेशन अलग है, आपने जिसने दिया हुआ उसको पता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग होता है टैक्स प्रॉफिट, इन दोनों का गैप ब्रिज करने के लिए डेफर्ड टैक्स आया, वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं भाई, ये बता रहा हूँ आसान नहीं है, पर जिस तरह कहूंगा वैसे चलोगे तो अल्लाह की कसम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरी रगों में बसा हुआ है और मैं इसके लिए पागल हूँ, इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली FAR2, ये नेक्स्ट लेवल है मेरे लिए। मैं तुम्हें बता दूंगा, अपनी तबीयत खराब कर दूंगा, तुम्हें पास करा दूंगा, पर पहले ये वादा करो कि साथ चलना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे, सही है जी। क्विजेज आपने टाइम पे देने,
और क्विज के लिए आपको ये नहीं करना कि किसी से ग्रुप पे मांग रहे हो, आपकी बुक में अवेलेबल है, आप खाली बार कोड को स्कैन करो। अब ये मैं नहीं कर सकते कि हाथ पकड़ के बोलूं उस पे रखा है, वो तो मैं खुद करना होगा। सही है जी, ये ओके। अच्छा भाई, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि चार कदम बस चलो साथ मेरे, चार कदम के बाद तू थक जाएगा भाई। चले जी, सर एक अटेम्प्ट में अपियर हो चुका हूँ, काइंडली बता दें। अच्छा देखो, एक अटेम्प्ट में अगर तुम अपियर हो चुके हो, तुमने मेरी पहली क्लास ली हुई है, तो तुम मैंने जो डेमो दिया ना उसी में देख लेना, सही है। और तुम्हें ऐसे ही अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, तैयार हुआ हुआ, तो देखते रहो, सही है। अच्छा एक दो तीन सवाल का एडजस्ट करूँ, फिर मैं लेके चलता हूँ आगे। सर क्या आप 100% भाई अल्लाह की कसम, मैं मतलब पाकिस्तान के दुनिया में कहीं भी होता, मैं FAR2 कभी नहीं पढ़ाना छोड़ सकता, मत दम तक FAR2 तो मैं पढ़ाऊंगा 100%। सही है जी, शुड वी बाय स्टैंडर्ड्स, नहीं, क्यों खर्चा करना है भाई। देखो तुम्हारे एग्जाम में जब तुम जा FAR1 में, तुमने बच्चों को देखा होगा स्टैंडर्ड लेके आए होंगे भाई। मुझे तो सर एक चीज पता है, मुझे तो एक चीज पता है, प्लीज सुनिएगा, मुझे जानिए सिर्फ एक चीज पता है कि स्टैंडर्ड वहां नहीं खुलते, वहां पे कुछ और खुलता है। सही है, नहीं आपका दिमाग, आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पे, दैट्स इट। वहां पे आपके पास स्टैंडर्ड खोलने का टाइम नहीं होता, तो आपने चीजें मेमोराइज करनी है। पर मैं जब आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस बुक में सब है, तो मतलब सब है। और एक और प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको स्टडी टेक्स्ट भी रीड कराऊंगा हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद, तो आपकी स्टडी टेक्स्ट की भी कवरेज मैं करा दूंगा। तो वो पंगा खत्म कर दिया मैंने, जिसपे आप कहते हैं ना कि सर अगर थ्योरी का सवाल आ गया तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्लियर है, ये मैंने बुक का बता दिया है आपको, मेरी बुक मिलेगी वहीद बुक शॉप से, आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, और कराची में तो यहीं से मिल जाएगी आपको मोमिन से। सही है जी, बुक में थ्योरी वगैरह सब है, इस बार MCQs तक है। ग्रुप ए के कितने पेपर पास होने चाहिए, आई थिंक रिस्ट्रिक्शन है भी तीन पेपर, दो पेपर या दो तो निकले भी होंगे यावत दे। सही है जी, बुक में सब है। अच्छा बुक की प्राइस जानी मेरे को नहीं पता, वो तुम पूछ लेना। अच्छा सर मेरी और सर ARM की बुक बिल्कुल अलग है, मेरी बुक बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने 7 सालों से जब बनाना शुरू किया तो वो बन बन के सवाल उसमें ऐड होते रहते हैं। मेरी बुक बिल्कुल अलग है, उनकी बुक बिल्कुल अलग है। अगर आपको कोई मेरिट गोल्ड मेडल चाहिए, दोनों की बुक सॉल्व करो। सही है जी, मेरी करोगे तब भी आ जाएगा, सहमत की करोगे तो फिर एग्जामिनर तुम्हें खुद बुला के देगा। सही है जी, FAR2 और ऑडिट साथ पढ़ सकते हैं भाई, पढ़ना ही साथ चाहिए, क्योंकि ऑडिट किसका करते हो पता ही नहीं, अकाउंटिंग का ना, फाइनेंशियल्स बनते हैं अकाउंटिंग का ना। चलो अब ये सारी बातें मैंने बता दी, प्लीज सुनिएगा, अब टारगेटेड लेके चलते हैं। पहले मैं आपका फ्रेमवर्क बना दूं, प्लीज सुनना है, इधर फोकस के साथ देखो, पहले पता हो डायरेक्शन क्या है। इधर मैंने कहा सबसे पहला एरिया इसके अंदर आ रहा है प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपसे पूछा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जानी क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, और सर आपके पास नोट्स। और इस नोट्स को मैं कहता हूं डिस्क्लोजर्स। प्लीज यार बहुत सुकून से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अच्छा जब मैं प्रिपरेशन ऑफ FS की बात करता हूँ ना, तुमने आई थिंक अपने बेसिक लेवल पे कैश फ्लो किया हुआ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी की हुई है, बैलेंस शीट कहाँ किया, इंट्रोडक्शन में, PRC में। अच्छा जी वेरी गुड, बिल्कुल, PNL कहाँ किया। पर मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने अपने तौर पे जब ASNPO या आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया था मेरे साथ, उसके अंदर भी PNL था, बट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, उसका नाम चेंज था। सही जी, तो सर क्या यहाँ पे जब मैं प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ, तो क्या वो कुछ भी पूछ सकता है इस बारे के लिए ना, मतलब इतना अहम है ये प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि तुम्हारी सोच से परे। क्यों, 3 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, इसने इस पर सेपरेट सवाल नहीं पूछा। अब देखो इसके अंदर 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, एक तो है प्रिपेरेशन ऑफ सेपरेट FS, और दूसरी चीज क्या आ रही है। अच्छा बच्चे तो ये कहते हैं कि सर हमसे एक ही बैलेंस शीट नहीं समझती, आप तो 5-6 मिला देंगे, यानी अगर एक कंपनी 3 कंपनीज की और मालिक है तो वो बोलते हैं सबको मिला के बताओ। कैसे मिला के बताओ, वो इसके ऊपर पूरा कोई 300-400 पेजेस का स्टैंडर्ड है, पर उसमें तुम्हारे कोर्स के अंदर 150 पेजेस, यानी आधा, आधे से थोड़ा सा कम, वो हमें देखना है।
अच्छा सर, मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बना कब पाऊंगा? बना कब पाऊंगा? जब मुझे पूरी अकाउंटिंग आती होगी। मैं अकाउंटिंग नहीं कह रहा, पूरी अकाउंटिंग कह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, नोट नहीं करना, मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन दे दूंगा पूरी। आपसे सुने, आज हम जब IFRS 9 शुरू भी करेंगे ना, तो आज हम जार्गन्स पे बात करेंगे। मैं कोई भी स्टैंडर्ड शुरू नहीं करवाऊंगा जब तक पता नहीं लग जाए कि उसके अंदर आता क्या क्या है। तो आपकी थ्योरी भी साथ साथ कवर होगी। फोकस होकर सुने पहले, मैं आपको एक माइंड मैप दे रहा हूँ। ये जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, आपने गवर्नमेंट ग्रांट किया था FAR 1 में, क्या ऐसा हो सकता है वो आपको बोले ऊपर ट्रायल बैलेंस है या ये बैलेंस शीट है, PNL, ये गलत है, नीचे आपको 10 ट्रांजेक्शन दे दे, 20 नंबर का सवाल, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी आएगा, सही है जी, और आपके पास बोरिंग कॉस्ट भी आ सकता है, PPE की डेप्रिसिएशन भी आ सकती है, ये तो आप बोल रहे हैं सर FAR 1। यहाँ पे अलग से स्टैंडर्ड्स है जो तुम्हें आने चाहिए। तो सर हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, वो रिवर्स है। मैं पहले आपको FAR 2 के सारे स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा, और मेरे FAR 2 के स्टैंडर्ड्स के अंदर जब मैं स्टैंडर्ड करवाऊंगा ना, प्लीज सुनना फोकस के साथ, जब मैं स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा FAR 2 के, तो उसकी अकाउंटिंग के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूंगा कि ये बैलेंस शीट में कैसे आएगा, PNL में कैसे आएगा। साथ साथ बोलोगे बैलेंस शीट में और PNL में कैसे आएगा। अच्छा, इससे होगा क्या सर, मैंने एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग देखा, उसकी अकाउंटिंग मुझे पता है बैलेंस शीट में कैसे आनी है। एक एस्पेक्ट ऑफ मैंने अकाउंटिंग देखा, मैंने देखा PNL में कैसे आना है, एक हो गया, हम दूसरे टॉपिक पे आ गए। अब लेट से लीजेज है कि मैं किसी से जनरेटर वगैरह लीज पे लेता हूं, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है, मुश्किल है। फिर मैं बताऊंगा कि वो लीज की अकाउंटिंग करने के बाद आपके पास उसकी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होगी, PNL में कैसे होगी। ऐसे मैं सारे स्टैंडर्ड्स कवर करवाऊंगा, उसके बाद मैं क्या शुरू कराऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि यार देखो, ये तो बेवकूफी है कि अगर मैं आपको पहले ही FS बनवा दूं तो आपको अकाउंटिंग, अच्छा अगर अकाउंटिंग आती है ना और आपने रिपोर्टिंग में डंडी मारी, अल्लाह की कसम पेपर फेल हो जाएगा। क्योंकि उसके हर सवाल के अंदर, उसके हर रिक्वायरमेंट के अंदर वो कहता क्या है, प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड PNL। साथ साथ बोले कि प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड PNL। तो अगर आपने अकाउंटिंग करके आ गए, लेट से 15 नंबर का सवाल है, आपने अकाउंटिंग की ना बच्चों का, तो आपको सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे, आपको आधे नंबर नहीं मिलेंगे। एक बच्चे ने अभी, मैं तुम्हें रिसेंटली बता रहा हूँ, लाहौर का बच्चा है, उसने बोला सर कस्टमाइज बैच तो लिया था हमने, आखिर में मैंने 15 दिन लिया था, मुझे पता ही नहीं था कि ये चीजें यहाँ जाती हैं। मैंने कहा तेरे को पता नहीं था कि कहाँ जाती हैं, पर अब कहाँ जाएंगी ये तुम सोचो, ये बात समझो। फिर मुझे कहता सर मैं पेपर तो करके आ गया, मैंने अकाउंटिंग भरपूर की है, मुझे प्रेजेंट करना नहीं आ रहा था, मैं पास हो जाऊंगा। मैंने कहा बेटा इस दिन क्लास है, वापस आ जाना, नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर नहीं, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड, यानी हर चीज लेंगे आपकी कहां से, डिस्क्लोजर से, प्रेजेंटेशन से। तो अगर आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती तो ये पेपर क्या होना है, रुक जाना है, सही है जी। तो हमने काम किस पे करना है, अकाउंटिंग भी करना है और प्रेजेंटेशन भी करना है हर एक टॉपिक के ऊपर। और आपके जो क्विज हैं उसमें मैंने क्विज में मेक श्योर किया है कि आपसे जो मैंने पूछा है वो ये पूछा है, बताओ बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आएगी। तो आपने अकाउंटिंग करने के बाद ये देखना है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्लियर है। ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया। खैर इसके टीचिंग आज कोई 35 से 40 घंटे आईकैप कहता है, बट आप अपने सीनियर से या किसी से भी या नहीं भी पूछो तो मेरी भला से, मुझे इतना पता है कि ये मैं तब तक कराऊंगा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि तुम्हारी ग्रिप आ गई है, सही है जी। तो खैर आज मेरे लिए मैटर नहीं करते। अब देखो अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट क्या PPE होता है ना, मना नहीं करो, हाँ नॉन करंट एसेट PPE होता है, ये कैसे मुंह बना रहे हो, नहीं PPE होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IAS 16 में नहीं किया यार, मरी थी लाशें हो तुम तो, जुनून नहीं है, किया है नहीं किया, FAR 2 में ये नहीं चलेगा भाई, बता रहा हूँ किया है, बिल्कुल किया है। पर मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, प्लीज सुनना, इन्वेंट्री मैं किसी से पूछूंगा, बहन आप बताओ इन्वेंट्री क्या नॉन करेंट एसेट है, पक्की बात है, देख लो, हाँ जा रहे हो बिल्कुल, एक ने यस कह दिया यार, क्या हो गया, चलो करंट एसेट है। अच्छा तो सर कुछ नॉन करंट एसेट, प्लीज सुनना जानी, कुछ नॉन करंट एसेट तुम सीख के आए हो कहां पे, FAR 1 में, जो बाकी बच गए वो यहाँ पे। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, सुनना फोकस के साथ भाई। अगर
हमारा धंधा यह है गाय बकरे बेचना, गाय बकरे बेचना। तो क्या ये जो गाय बकरे मैं खरीद के लाया हूं करंट एसेट है नॉन करंट? करंट है, दस्ती बिकेगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वेरी गुड। अब देखो, आप समझ रहे हो, उसकी अकाउंटिंग यहाँ सीखेंगे। सही है जी, लिंक करूंगा मैं, मेरा काम है कैसे करना है मैंने। आगे सुनो फोकस के साथ, इधर अगर मैंने काउ परचेस की और मैंने कहा भाई फॉर द पर्पस के मैं मिल्क प्रोड्यूस करवा के बेचूंगा, अब क्या है नॉन करेंट, तो फिर वो IS-41 है जो ये सिखाता है, IS-41। अच्छा, मुझे एक IS-40 याद आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, वो कौन सा था? नॉन करेंट था, पक्की बात है। अच्छा, नॉन करेंट था, वो FAR 1 में आ गया। अच्छा, वापस से सुने, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये कौन सा एसेट है? नहीं, मैंने बोला ही नहीं शॉर्ट टर्म एसेट है, मैंने बोला मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, नॉन करेंट है। तो देखो, इट डिपेंड्स कि आपने कुछ स्टैंडर्ड्स पहले कवर किए हुए, कुछ अब कवर करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर क्या, IFRS 9, लीज एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, वो यहां देखेंगे। सही है जी, आगे लेके चलते हैं। फिर वो बोलता ये है कि भाई एथिक्स एंड अदर एरियाज, आप जरा इसमें देखें तो जो अदर एरियाज है ना, अदर एरियाज उसकी वेटेज कितनी है? 35 से 45, 35 से 45। अब देखो इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है ना, एक बच्चा सोचता है कि इसमें से मैं कुछ कटा के चला जाऊंगा, एग्जामिनर का गेम क्या पता है, वो यहां से उठाता है इससे मिला के पूछ लेता है, यहां से उठाता है इससे मिला के पूछ लेता है। ऐसा सिंगल पेपर नहीं है कोई जिसके अंदर उसने सारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट ना किया हो। तो FAR 2 में भी हमने यही करना है, अपने कोर्स में डिजाइन भी ऐसा हुआ है, सवाल भी ऐसे बने हुए हैं कि सारे स्टैंडर्ड्स क्या है, मिक्स है। तो ये आई विल मेक श्योर कि आप कोई चीज भूलें नहीं। चलिए जी, अब ये तो हो गई बात,